कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IITG एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हाँ तो बच्चों, हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स केमिस्ट्री की देखी थी और उसी बेसिक को हम लोगों ने प्रीवियस 3 क्लासेज लिए थे। लास्ट क्लास में हम लोग वो केमिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट कर रहे थे क्लास 11th के लिए। ये लेक्चर लिखा गया है फॉर क्लास 11th। टॉपिक नेम इज एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 1। इसके पहले कुछ और बातें कर लें कि पिछले दिन हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफाइन किया था, प्रैक्टिकल डेफिनेशन बतलाया था जिसमें कहा था कि कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा जितने भी दूसरे कंपाउंड्स हुए वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज की लेक्चर में एक नई टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो दिस विल बी योर फर्स्ट लेक्चर फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर। और हाँ, इस लेक्चर को आप पूरी तरह से देखेंगे, वीडियो को फुल्ली देखेंगे, नोटबुक पेन लेके बैठेंगे, इन सारी चीज़ों को जो डिफाइन किया जाता है उसको नोट करेंगे और पक्के तौर पे आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत ही मज़ा आने लगेगा और आपकी लर्निंग डे बाय डे इम्प्रूव करते जाएगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो विल स्टार्ट विथ एटम। तो एटम एक टर्म जिसको आप स्कूल केमिस्ट्री में भी पढ़ते रहते हो। तो यहाँ पे मैं एटम के बारे में बतला रहा हूँ कि एटम को बहुत पहले से डिफाइन किया जाता रहा, आज भी इसमें रिसर्चेज चल ही रहे हैं। तो एटम को मैंने लिखा A+ टॉम। ए का मतलब नॉट, टॉम मीन्स टू कट। तो शुरुआत में एटम को कहा गया, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटम को डिफाइन किया, नॉट टू कट इज एन एटम, नॉट टू कट इज एन एटम, जिसे काटा नहीं जा सके, मतलब जिसे बांटा नहीं जा सके, जो फर्दर डिविजिबल नहीं हो उसे एटम कहेंगे। यह डेफिनेशन जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। तो उन्होंने बताया कि एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, बट समय के साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए बहुत सारे और लेटर ऑन ये प्रूफ हो गया कि एटम जो जॉन डाल्टन ने बतलाया था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का, पदार्थ का, तो ये बात गलत साबित हुई। जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम इंडिविजिबल था, यही लिखा है मैंने, नॉट टू कट, नॉट टू कट इज एन एटम। तो ये जॉन डाल्टन का डिफिनेशन था, उनके मुताबिक एटम इंडिविजुअल था, बट सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट हैड टेकन प्लेस दैट टाइम और उससे ये स्पष्ट हुआ कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो समय के साथ जो जॉन डाल्टन का डिफिनेशन था वो डेड हो गया और पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा कि आप अपने स्कूल केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल बनाया है, सिंपलेस्ट मॉडल ऑफ एन एटम। तो यहाँ मैं एटम लिख देता हूँ, ये एटम का सिंपलेस्ट मॉडल हुआ बच्चों। तो एटम में होता क्या क्या है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस नाम सुने होंगे शायद। अब न्यूक्लियस को यहां पे मैं डिफाइन भी कर देता, तो न्यूक्लियस क्या है, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम, सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम। तो
अब आपको ये याद हो गया होगा, एटम के सेंट्रल पोर्शन को क्या बोलोगे? न्यूक्लियस। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन है, न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन, दैट इज कॉल्ड सेल, दैट इज कॉल्ड सेल। तो सेंट्रल पोर्शन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस, एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन मतलब पोर्शन विच इज आउटसाइड न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। तो इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन को कहा जाएगा सेल या ऑर्बिट। तो यहां हमने दिखलाया है न्यूक्लियस, यहां एक प्लस का साइन भी लगाया है, इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्यों ये प्लस साइन दिया गया है। और ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन हुआ, न्यूक्लियस के बाहर वाला पोर्शन, इसको लिखा है सेल और ऑर्बिट, सेल और ऑर्बिट। नाउ सी हियर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए। अब रहा कि ये पार्टिकल्स है, तो पार्टिकल्स है तो इनकी कुछ चार्ज होगी, इनकी कुछ मास होगी। तो अब इनके नेचर के बारे में जाने, इनका चार्ज कैसा होगा। तो यहां बताया, यहां पे कहा गया कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, आप शायद जानते भी होंगे, फिर से जानो, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है वो चार्जलेस है। अब आ जाओ, अब फिर एक सवाल आया कि नेचर के बारे में तो जान गए कि इलेक्ट्रॉन कैसा था, प्रोटॉन कैसा था, न्यूट्रॉन कैसा था। अब एक सवाल आया कि एटम के जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, तो एटम में इनका लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, कहां रहते हैं ये एटम में। जैसे एटम का दो पार्ट था, सेंट्रल पार्ट को हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियस, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन, न्यूक्लियस के बाहर वाले पार्ट को कह रहे थे सेल या ऑर्बिट। तो अब इनके लोकेशन के बारे में हम बात, तो लिखा गया प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस व्हाइल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड न्यूक्लियस इन सेल्स और ऑर्बिट। तो जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो तुम्हारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये एटम के न्यूक्लियस में रहेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाहर सेल्स में रहेगा। क्लियर? अब आओ, अब इस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पे चर्चा करेंगे कि व्हाई द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। एटम का न्यूक्लियस क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है? तो अभी अभी हमने सीखा कि न्यूक्लियस में क्या क्या रहता है। तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स रहते हैं, दो तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से जो न्यूट्रॉन है वो तो चार्जलेस है, उसका कोई चार्ज होता नहीं, तो बचा क्या? प्रोटॉन। प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। तो न्यूक्लियस में दो ही तरह के पार्टिकल थे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसमें से न्यूट्रॉन चार्जलेस था और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज था। तो चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसीलिए जो एटम का न्यूक्लियस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होगा, किस वजह से बच्चों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। तो अब आपकी एक डाउट यहां पे आती है कि क्यों एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, कई बार लोग क्वेश्चन भी पूछा करते हैं। तो एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज किसके वजह से है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स। है तो यहां पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों, लेकिन न्यूट्रॉन खुद चार्जलेस था और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, तो इसीलिए एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज। नाउ अब हम लोग पार्टिकल्स लिखे हैं, उसका एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, ये REL डॉट लिखा है बच्चों, रिलेटिव, इसका पूरा नाम अगर लिखना चाहो तो रिलेटिव मास एंड रिलेटिव चार्ज। तो रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। अब थोड़ा सा मैं बोल देता हूं एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज। एब्सोल्यूट कहते हैं निजी, अपना, जो उसका अपना मास है या उसका अपना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज। रिलेटिव चार्ज वो किसी के रेस्पेक्ट में डिफाइन किया गया। तो रिलेटिव चार्ज जो पार्टिकल्स का है या रिलेटिव मास है, तो इनको डिफाइन किया गया प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में। जैसे किसी भी पार्टिकल का अगर रिलेटिव मास जानना है, तो रिलेटिव मास ऑफ पार्टिकल इक्वल टू
एब्सोल्यूट मास ऑफ डैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। वैसे ही किसी पार्टिकल का अगर रिलेटिव चार्ज जानना है तो एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ डैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो रिलेटिव मास और रिलेटिव चार्ज जो निकाला गया, फाइंड आउट किया गया, वो विथ रेस्पेक्ट टू प्रोटॉन। तो मैं एक बार फिर से बोल देता हूं डिफिनेशन को, आप इसको लिख लोगे। रिलेटिव चार्ज किसी पार्टिकल का, तो रिलेटिव चार्ज ऑफ पार्टिकल इक्वल टू एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। वैसे ही रिलेटिव मास ऑफ एनी पार्टिकल इक्वल टू एब्सोल्यूट मास ऑफ दैट पार्टिकल डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। तो अब मैंने एक टेबल बनाया है और जिन बच्चों को याद है उन्हें तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं याद है वो आज के बाद इन चीजों को अब कभी नहीं भूलेंगे पूरे लाइफ टाइम। जैसे प्रोटॉन की एब्सोल्यूट मास लिखी गई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। ये दिस वन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। अब इसको अगर ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हो तो सोचो 1 केजी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स। तो आप जानते हो कि 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। 1000 को अगर 10 के पावर के टर्म्स में लिखोगे तो 1000 इक्वल टू 10 टू द पावर 3। तो अब यहां पे 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 27 केजी को ग्राम में बदलने के लिए केजी हटा के 10 के पावर 3 ग्राम कर देंगे। अब बेस सेम हो गया, 10 के पावर माइनस 27 इंटू 10 के पावर 3, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाता है माइनस 27 प्लस 3 एंड दिस इक्वल्स टू माइनस 24। तो अगर इसको ग्राम में लिखना चाहो तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। आई थिंक अब आप लोग समझ गए होंगे। अबाउट एब्सोल्यूट चार्ज, तो एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन का लिखा गया। जैसे चार्ज या तो पॉजिटिव होगा और नहीं तो नेगेटिव होगा, तो चार्ज को लिखते समय हम लोग साइन को लिख दिया करेंगे। तो जैसे यहां पे प्रोटॉन के बारे में सीखा था कि प्रोटॉन एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो प्लस साइन के साथ लिखा, प्लस 1.6 टू 10 टू द पावर माइनस 19 सी लिखा है एंड सी स्टैंड फॉर कूलम्ब। सी किसके लिए हुआ बच्चों? कूलम्ब, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। कूलम्ब इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। तो प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। अब रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास प्रोटॉन का निकालना था तो ऊपर एब्सोल्यूट मास हुआ प्रोटॉन का डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन, तो चला आया 1। ऊपर भी एब्सोल्यूट मास है प्रोटॉन का, नीचे भी एब्सोल्यूट मास है प्रोटॉन का, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो एब्सोल्यूट मास हुआ, रिलेटिव मास हुआ प्रोटॉन का 1। रिलेटिव चार्ज निकालना है तो अभी अभी फॉर्मूला बतलाया था, ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन का लिख दिया गया डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चला आया प्लस 1। ऊपर नीचे दोनों सेम था, प्लस 1। नाउ हमने प्रोटॉन के बारे में अब सारी बातें जान ली। न्यूट्रॉन को देख रहे हैं तो इसकी भी जो मास है वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही लिखी, 1.67 into 10 to the power minus 27 kg। मतलब ये कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मास लिखते समय तो सेम होगी, लेकिन एक और बात बता रहा हूं तुम्हें कि बोलते समय या समझते समय थोड़ा सा लिटिल बिट न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हेवियर होता है, लिटिल बिट न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हेवियर होता है, भारी होता है, बट लिखने वाली मास यही होगी 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी। और जैसा कि अभी अभी हमने चार्ज देखा था कि न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है, तो इसका अपना कोई चार्ज नहीं हुआ इसलिए इसकी चार्ज लिख दी गई 0। अब आ जाओ रिलेटिव मास, तो रिलेटिव मास ऊपर में आ गया एब्सोल्यूट मास ऑफ न्यूट्रॉन और नीचे में रहा एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। चूंकि दोनों की मास सेम ही है इसलिए इसका भी रिलेटिव मास चला आया 1। अब रिलेटिव चार्ज, तो ऊपर में एब्सोल्यूट चार्ज न्यूट्रॉन का डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन की तो एब्सोल्यूट चार्ज 0 थी, अब प्रोटॉन की एब्सोल्यूट चार्ज समथिंग है, तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग
बिकम्स जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे रिलेटिव चार्ज लिख दिया गया न्यूट्रॉन का जीरो। नाउ कम टू इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की जो एब्सोल्यूट मास हुई, आपने पढ़ा होगा अपनी स्कूल केमिस्ट्री में, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। तो आज के बाद कभी नहीं भूलोगे इसको, एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। अब इसको अगर ग्राम में निकालना चाहते तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों 10 टू द पावर 3 बोल रहा हूं मैं, चूंकि 1 केजी इक्वल टू 1000 ग्राम, अभी भी समझाया था, और 1000 को 10 टू द पावर 3 लिख सकते हो, और जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लीकेशन के दौरान पावर ऐड हो जाता है। तो माइनस 31 प्लस 3 करोगे तो माइनस 28 चला आएगा। तो यहां पे एब्सोल्यूट मास इलेक्ट्रॉन की बात करोगे ग्राम में तो 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम। अब आ जाओ एब्सोल्यूट चार्ज की बात करो, तो देख सकते हो कि ये चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो वही है जो प्रोटॉन पे है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम होती, बस फर्क ये होता है कि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल था और जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिवली चार्ज है तो माइनस 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो गया। अब आ जाओ रिलेटिव मास। तो चूंकि रिलेटिव मास निकालना है तो एब्सोल्यूट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट मास ऑफ प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन की एब्सोल्यूट मास है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 ग्राम, और प्रोटॉन की एब्सोल्यूट मास है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में भी, एक तो प्रोटॉन बहुत हल्का है, वेरी वेरी लाइट, बहुत ही हल्की पार्टिकल है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में भी बहुत हल्का है। ऑलमोस्ट जब कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें निकल के आएगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता वो एक प्रोटॉन के मास के 1840वें भाग के मास के लगभग बराबर होता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट 1/1840 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन के मास के 1840वें भाग के मास के बराबर होता है। और चूंकि प्रोटॉन इटसेल्फ बहुत लाइट है, खुद बहुत हल्की पार्टिकल है, तो उसके 1840वें भाग का जो मास होगा वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। इसीलिए रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का क्या लिख दिया गया, जीरो। तो रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जीरो। एंड रिलेटिव चार्ज, तो रिलेटिव चार्ज की बात करोगे तो ऊपर एब्सोल्यूट चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का और नीचे हो गया एब्सोल्यूट चार्ज प्रोटॉन का। बस दोनों में फर्क है साइन का। तो ऊपर रहा माइनस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाई प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब ये नंबर्स तो कैंसिल हो गए, ऊपर माइनस 1 नीचे प्लस 1, माइनस 1 बटे प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। यस बच्चों, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि तीनों जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे हमारे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, तीनों की एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट चार्ज, रिलेटिव मास, रिलेटिव चार्ज। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखो एक्स लिखा है मैंने, ये किसी पार्टिकल का सिंबल है। से पूरा पार्टिकल का नाम लिखने में ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा स्पेस लगता है, ज़्यादा एनर्जी लगती है, तो किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल दे देते हैं। और जनरली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के केस में जो सिंबल होता वो उसका फर्स्ट लेटर ही हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना तो ई से रिप्रेजेंट कर दिए, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। अब आओ तो एक्स सिंबल है उस पार्टिकल का, नीचे में चार्ज लिखेंगे और ऊपर में मास। अब यहां जो चार्ज और मास हैं वो एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट चार्ज और एब्सोल्यूट मास हैं तो प्रैक्टिकली बहुत छोटे, लेकिन क्यूबर्सम हैं वो, लिखने में बोलने में ज्यादा स्पेस, ज्यादा टाइम और ज्यादा एनर्जी लगता है।
तो इसीलिए यहां जो चार्ज और मास लिखा जाएगा पार्टिकल के रिप्रेजेंटेशन के दौरान, वो रिलेटिव चार्ज और रिलेटिव मास होगा, क्योंकि वो लिखने या एक्सप्रेस करने में बोलो कॉन्वेनियंट है। तो यहां लिख भी दिया है मैंने कि हेयर चार्ज एंड मास आर रिलेटिव चार्ज एंड रिलेटिव मास। तो जैसे इलेक्ट्रॉन था तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे में चार्ज लिखा माइनस वन, मास लिखा जीरो। अभी अभी देखा था कि इसका रिलेटिव चार्ज माइनस वन था, मास जीरो था। प्रोटॉन देखो तो पी से रिप्रेजेंट किया, रिलेटिव चार्ज प्लस वन था, रिलेटिव मास वन था, तो पी प्लस वन वन। न्यूट्रॉन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्मॉल एन दे दिया, रिलेटिव चार्ज जीरो था इसका, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता, चार्जलेस। तो यहां पे जीरो दे दिया, यहां पे मास लिख दिया वन। नाउ इट्स ओके, आप सब इसको बहुत अच्छे से रिसीव कर रहे होगे, इसीलिए एक एक बात बताई जा रही है कि तुम्हारा बेस वीक ना रहे। इन चीजों को अगर छोड़ दिया जाएगा तो तुम बेसिकली वीक हो जाओगे, और एक बार जब बेस खराब हो जाता है तो सब्जेक्ट जैसे जैसे आगे चलेगा, आगे जाएगा, आपको चीजें कम समझ में आनी शुरू होंगी, और पढ़ने के प्रति आपका जो इंटरेस्ट है वो डे बाय डे डिक्रीज ही होता चला जाएगा। तो डेट्स वाई कि अपने के यहाँ एक अरेंजमेंट है कि वी आर नॉट इन हरी, वी आर नेवर इन हरी, कभी भी हम लोग जल्दीबाजी में नहीं होते। वी एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स, और सारी कुछ की जाती है, सारी कुछ बताया जाता है, सारा कुछ यहाँ पढ़ाया जाता है, और तब एक दिन ऐसा भी आता है जब पूरी सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। नाउ कम टू न्यू टर्म एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई जेट, शायद देखे होंगे अपनी स्कूल केमिस्ट्री में भी। तो चलो आगे बढ़े, है क्या ये, जेट से रिप्रेजेंट किया और लिखा इट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो एटॉमिक नंबर किसी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की संख्या। मास नंबर लिखा, यह भी टर्म तुम लोगों का सुना हुआ है स्कूल केमिस्ट्री में, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और यह लिखा गया इट इज सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो सम ऑफ जोड़ है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो एटम के न्यूक्लियस में मौजूद रहते हैं। तो अब यहां से एक फॉर्मूला बना दिया कि ए इक्वल टू, ए मीन्स मास नंबर, तो मास नंबर इक्वल टू पी प्लस एन, जहां पी और एन क्रमशः प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। अब अभी अभी सीखा था कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, तो आप पी को रिप्लेस कर सकते हो जेड से, वेयर जेड इज एटॉमिक नंबर। तो ए बराबर और भी लिख सकते हैं जेड प्लस एन। अब नीचे बतलाया गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, तो एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन, कोई एलिमेंट एक्स है उसका सिंबल लिख दिया, जैसे सोडियम रहता तो एन ए लिख देते, नाइट्रोजन रहता एन लिख देते, कैल्शियम रहता सी ए लिख देते। तो ये कोई एलिमेंट था, नीचे में जेड लिखते ऊपर में ए लिखते, तो ये एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन हुआ, मतलब नीचे एटॉमिक नंबर ऊपर मास नंबर। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहां लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल सपोज हमें लिखना होता नाइट्रोजन, तो हमने सिंबल लिख दिया N7-14। वैसे ही अगर कैल्शियम लिखना होता तो हम लिख देते Ca20-40। वैसे ही अगर हमें अल्मुनियम लिखना होता तो हम लिख देते अल्मुनियम 13-27 एक्सेट्रा। तो ये सब एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब अगर नाइट्रोजन N7 लिखा हुआ है और यहां पे हमसे पूछा जाए कि चलो नाइट्रोजन में प्रोटॉन्स की संख्या बतलाओ, तो नाइट्रोजन लिखा हुआ है 7-14, तो ये 7 क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर किसे कहते थे, प्रोटॉन्स की संख्या को, तो इसके लिए प्रोटॉन्स की संख्या हो गई 7। अब इसी में पूछा जाता कि न्यूट्रॉन्स की संख्या बतलाओ, तो यहां ये लिखा हुआ है मास नंबर, और मास नंबर बराबर क्या था, पी प्लस एन, तो 14 इक्वल टू 7 प्लस एन, तो एन बराबर क्या हो गया बच्चों, 14 से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल गई, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई 7। तो अब न्यूट्रॉन के बारे में पता चला कि 7 प्रोटॉन्स होंगे और 7 ही न्यूट्रॉन्स भी होंगे। अगर कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम लिखा गया है 20-40,
अब 2040 लिखा हुआ है तो 20 इसका एटॉमिक नंबर है, और एटॉमिक नंबर है मींस वही प्रोटॉन संख्या है कैल्शियम के न्यूक्लियस में। तो पता चला कि कैल्शियम में प्रोटॉन्स की संख्या हो गई 20। कैल्शियम के एक एटम में प्रोटॉन्स की संख्या कितनी हो गई? 20। अब रहा कि मास नंबर 40 दिया हुआ है, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या निकल गई 40 इक्वल टू पी प्लस एन। पी की वैल्यू 20 थी तो 40 इक्वल टू 20 प्लस एन, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एन इक्वल टू 20 चला आया, 40 माइनस 20। यहां पे देखोगे तो अल्मोनियम के एटॉमिक नंबर 13 है, तो प्रोटॉन की संख्या 13 हो गई, और मास नंबर निकालना है तो 27 से 13 घटा दो, सॉरी न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालनी है तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर को घटा दो, तो 27 माइनस 13 कर दोगे तो चला आया 14। तो यहां न्यूट्रॉन्स हो गए 14 और प्रोटॉन्स हो गए 13। ओके, ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई? ठीक है। ओके, तो अब हम लोग जाने न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन सेल इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जैसे आप सोडियम लिखते हो, तो सोडियम लिखते हो तो उसका सिंबल लेने देते हो, कोई चार्ज तो देते नहीं। तो जब कोई एटम बोलते हो तो एटम का मतलब ही होता कि वो न्यूट्रल है। अगर न्यूट्रल नहीं है तो फिर वो एटम है ही नहीं, फिर तो वो आयन हो गया। बट एक कस्टोमरी है, फैशन है, प्रचलन है कि एटम लिखते समय यहाँ न्यूट्रल लिख दिया गया। तो लिखा गया कि न्यूट्रल एटम में सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या उतनी होगी जितना कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या उस एटम के एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो अब यहां से हम ये भी समझ सकते हैं कि एटम क्यों न्यूट्रल होता है। कोई एटम है जैसे सोडियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या एनी एटम क्यों न्यूट्रल होता है, इस बात को समझ सकते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि एटम में दो पोर्शंस होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूक्लियस था और दूसरा सेल। न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और सेल में इलेक्ट्रॉन्स था। अब जो न्यूक्लियस था उसमें न्यूट्रॉन तो चार्जलेस था, उसका तो कोई चार्ज था नहीं, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज था वो प्रोटॉन के संख्या के बराबर था, और प्रोटॉन की रिलेटिव चार्ज हमने देखी थी +1। तो किसी एटम का जितना एटॉमिक नंबर है उतना उसमें प्रोटॉन्स होगा, और जितना प्रोटॉन्स होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सपोज अगर सोडियम की बात करोगे तो सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 है। अब सोडियम के एक एटम में 11 प्रोटॉन्स हुए तो सोडियम के न्यूक्लियस में +11 चार्ज हुआ, और सोडियम के सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है वो -1 है। तो 11 इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज हुई वो -11 हो गई, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज था वो +11 था, और सोडियम के ही सेल में जो चार्ज था इलेक्ट्रॉन्स के वजह से वो -11 था। तो नेट चार्ज क्या हो गया बच्चों? 0। इसीलिए सोडियम कैसा हो गया? चार्जलेस। तो कोई भी एटम चार्जलेस इसी वजह से होता है कि न्यूक्लियस में जितनी प्रोटॉन्स की संख्या होती है सेल में उतनी ही इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है, और चूंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होते वो इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसलिए नेट चार्ज एटम का 0 हो गया। तो डेट इज वाई एटम इज न्यूट्रल। ओके, आई थिंक आप बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ रहे होंगे। अब आओ नेक्स्ट टर्म हमने लिया है आइसोटोप्स। नाम तो शायद आपने स्कूल में भी इसका सुना होगा। फिर से मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको। लिखा गया एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आपने डिफिनेशन को लिख लिया होगा, और अब यहां से देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। तो एक टर्म लिखा गया सेम एलिमेंट के एटम्स। तो जैसे ही बच्चों एलिमेंट सेम हो गया तो एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम है तो सोडियम की एटॉमिक नंबर चाहे इंडिया की बात करो या यूरोप की बात करो या यूएसए की बात करो, हर जगह 11 ही है। तो एक एटम का एक ही एटॉमिक नंबर होता है, एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है। तो यहां लिखा गया
एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट के एटम जैसे ही बोले तो अब ये नीडलेस है कहना, गैर जरूरी हुआ ये कहना कि उसकी एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे ही आप सेम एलिमेंट बोलते हो तो ये बेल अंडरस्टूड हो गया कि एटॉमिक नंबर उसकी सेम हो। डिफरेंट एटम बोलोगे तो भी बेल अंडरस्टूड हुआ कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे ही बोलोगे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स जैसे ही बदलेगा एटॉमिक नंबर बदल जाएगी, बिकॉज एक एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बोलने का मतलब क्या हुआ? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बोलने का मतलब हुआ उन सभी एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम हो। सेम एलिमेंट बोला जाए तो एटॉमिक नंबर सेम, डिफरेंट एलिमेंट बोला जाए तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो यहां मैंने गैर जरूरी समझा इस बात को लिखना कि उनके एटॉमिक नंबर सेम हो। जैसे ही यहां लिख दिया कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो सेम एलिमेंट सुनते ही ये अंडरस्टूड है एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, तो सेम एलिमेंट के एटम्स जिनकी मास नंबर अलग अलग हो। इसी को दूसरे शब्दों में तुम ऐसे कहते हो कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट, तो ऐसे ऐसे एटम्स को हम लोग कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे यहां नीचे एग्जांपल लिखा गया H11, H12 या इसको ब्रैकेट में D लिखा गया है बच्चों, D फॉर ड्यूटेरियम। H12 को ही हम लोग ड्यूटेरियम पढ़ते हैं, इसको H12 भी लिख सकते हो और साथ साथ D से भी डिनोट कर सकते हो। एंड H13 इसको ब्रैकेट में T लिखा गया, T फॉर ट्रिटियम, ट्रिटियम आगे लिखा है मैंने, तो H13 आल्सो डिनोटेड एज T, H12 आल्सो डिनोटेड एज D, H11। तो ये क्या है? हाइड्रोजन के डिफरेंट एटम्स हैं जिनकी एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर को देखो, ऊपर में मास नंबर लिखते थे हम लोग, तो यहां मास नंबर 1 है, यहां मास नंबर 2 है, यहां मास नंबर 3 है। ओके, तो व्हाट वी आर लुकिंग हियर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। तो इसीलिए H11, H12 और H13 ये तीनों आइसोटोप्स हुए हाइड्रोजन का। अब इनमें हमें ये बताया गया कि H11 को हम पढ़ते हैं प्रोटियम, जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है उसमें जो मेजर परसेंटेज होता है 98% या उससे ज्यादा प्रोटियम ही रहता है। H12 को हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, तो थोड़ा सा परसेंटेज ड्यूटेरियम भी रहता है हाइड्रोजन एलिमेंट में। और H13 अपना ट्रिटियम है, लिखा गया ट्रिटियम, तो ये रेडियो एक्टिव भी होता है और इसकी परसेंटेज बस ट्रेस अमाउंट में होती है, काफी कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में होती है। तो हाइड्रोजन एलिमेंट में ये तीनों एटम्स मौजूद रहते हैं। हाँ, मेजर परसेंटेज जो होता है डेट इज ऑफ H11 प्रोटियम, 98% से भी ज्यादा प्रोटियम मौजूद रहता है। अब आओ यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात हम समझते हैं, जैसे ये सभी की एटॉमिक नंबर तो सेम हो गई, तो जब एटॉमिक नंबर सेम हो गई तो प्रोटॉन्स की संख्या सेम हो गई, एटॉमिक नंबर ही को तो हम लोग कहते थे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आइसोटोप्स जो हुए उनमें प्रोटॉन्स की संख्या सेम हो गई, अब रहा इनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालो, तो यहां पे न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या आ गई? 0। यहां पे न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालो तो न्यूट्रॉन्स की संख्या क्या आ गई? 1। यहां पे न्यूट्रॉन्स की संख्या निकालो, मास नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर से एटॉमिक नंबर घटा दोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा, तो यहां न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई 2। तो पहली बात यहां से हम ये समझे कि जो आइसोटोप्स होंगे उनकी प्रोटॉन्स की संख्या तो सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होगी। तो वही कंक्लूजन यहां पे लिखा गया कि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स की संख्या यहां सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या डिफरेंट होगी। ओके, अब आओ अगर ऑक्सीजन के आइसोटोप्स की बात करोगे तो O16, O18 दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन। वैसे ही कार्बन के आइसोटोप्स की बात करोगे C12, C14, कार्बन के एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही होगा 6,
तो C6 12 एंड C6 14, तो दीज आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो हमने आइसोटोप्स को अच्छे से समझ लिया। नाउ विल कम टू सी आइसोबार। तो आइसोबार को बताया गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। तो देखो बच्चों, यहां हमने लिख दिया कैटेगरिकली डिफरेंट एलिमेंट्स। जैसे ही आप डिफरेंट एलिमेंट सुनो तो समझ जाओ एटॉमिक नंबर बदल गया। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। मतलब एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट था ही, लेकिन मास नंबर कैसी है? सेम है। तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, यही आइसोबार्स हो गए। जैसे एक एग्जांपल लिखा आर्गन, ए आर इज द सिंबल फॉर आर्गन। और मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रहा हूं, कम से कम एक से लेके 50 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स का नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, ये अभी का अभी आपको याद हो जाना चाहिए। मतलब विद इन 1-2 डेज एटलीस्ट फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 मीन्स हाइड्रोजन से लेके एटॉमिक नंबर 53 का होता है, तो हाइड्रोजन से लेके 3 तक तो 1 से 2 दिन में आपको याद हो जाना चाहिए। और ऐसी याद होनी चाहिए बच्चों जो कभी आपके साथ, कभी आपका साथ ना छोड़े, मतलब लाइफ तक आपके साथ रहे। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि आप यहाँ नहीं हो, क्लास में होते तो पहला काम मैं यही करा था कि आपको 1 से लेके 50 तक नहीं, बल्कि मैं तो सारे एलिमेंट्स का ही नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर लाइफ टाइम तक के लिए याद कराता था सभी बच्चों को। बट ये यहाँ अकेले क्लासरूम में पढ़ाना पड़ रहा है लॉकडाउन के वजह से, और यहाँ से मैं सिर्फ आग्रह ही कर सकता हूँ, अपील ही कर सकता हूँ कि आप सब अगर केमिस्ट्री सीखना चाहते हो तो कुछ चीज़ों को बिल्कुल ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि वो तुम्हारे साथ आजीवन रहे। इसमें एक छोटा सा काम और पहला काम होगा कि आप सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, नेम, सिंबल तो जानोगे, और ऐसा जानोगे जो कभी आपका साथ ना छोड़े। तो अब यहाँ हमने आर्गन लिखा है 1840, तो आर्गन 1840 है एंड लिखा है कैल्शियम 2040। यू कैन सी हेयर, यहाँ 40 था, यहाँ भी 40 है, मीन्स मास नंबर क्या हो गया? सेम। अब कम टू एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ 18 है, यहाँ 20 है, तो एटॉमिक नंबर दोनों की डिफरेंट है, इसीलिए तो कहा गया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट बदल गया, एक केस में आर्गन है, एक केस में कैल्शियम है। अब यहां से देखो, यहां पे तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या 18 हो गई। जैसे मैं अगर लिखूं यहां पे, तो आर्गन के लिए लिखा तो P बराबर 18, प्रोटॉन की संख्या 18 हो गई। अब अगर न्यूट्रॉन यहां से लिखना चाहते हो तो 40 माइनस 18 कर दो, तो 40 माइनस 18 चला आया तुम्हारा 22, तो न्यूट्रॉन 22 आया। अब कैल्शियम के लिए लिखना चाहते हो तो कैल्शियम के लिए P बराबर हो गया 20, और N बराबर क्या आया बच्चों? ये भी आ गया 20। तो अब हमने क्या देखा, जो आइसोबार्स होंगे इनमें प्रोटॉन भी डिफर करेगा और न्यूट्रॉन भी डिफर करेगा। तो आप चाहो तो लिख लो, मैं बोल रहा हूं, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। आइसोबार्स में दिखाया गया कि प्रोटॉन्स भी बदलेगा और न्यूट्रॉन्स भी बदलेगा, ठीक है? तो आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई। तो अब जो अगला टर्म है वो है हमारा आइसोटोन्स। तो डिफाइन किया गया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और आप बहुत अच्छे से डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे होंगे, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होगी और डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया पोटेशियम 1939 एंड कैल्शियम 2040। तो जब यहाँ देखोगे तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स तो हैं ही, यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो n इक्वल टू 20 आ गया, यहाँ भी न्यूट्रॉन की संख्या निकालोगे तो n इक्वल टू 20 आ गया। तो दोनों जगह न्यूट्रॉन सेम है लेकिन प्रोटॉन्स अलग अलग। तो ये रहा आइसोटोन्स। तो होप कि आप आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स ये तीनों जान गए। नाउ कम टू आयंस। आयंस कहते किसको हैं? चार्ड स्पेसीज को,
चार डस्ट स्पेसीज आर कॉल्ड आयंस। आयंस जब भी सुनेंगे तो मीनिंग होगा चार डस्ट स्पेसीज, तुरंत समझ जाएंगे कि चार डस्ट स्पेसीज को आयंस कहेंगे। और चार्ज कितने तरह के होते? दो तरह, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज के बेसिस पे आयंस भी दो तरह के होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। पॉजिटिवली चार्ज आयंस को कैटायंस कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनायंस कहेंगे। तो अब हम लोग ये भी जान गए कि आयंस दो तरह के, कैटायंस और एनायंस। कैटायंस मीन्स पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनायंस मीन्स नेगेटिवली चार्ज आयंस। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कि आयंस बनते कैसे हैं, कैसे कैटायंस और एनायंस बनते हैं। तो लिखा गया कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम एंड एनायंस आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एन एटम। तो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने पे कैटायन बनता है। इस डिफिनेशन को आगे और एक्सटेंड किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने और इलेक्ट्रॉन जोड़ने का जो काम है, चूंकि अभी हम लोगों ने ऑर्बिट को समझा नहीं है, बट बोल रहा हूं कि जब भी किसी एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का रिमूवल या इलेक्ट्रॉन का एडिशन, ये दोनों ही आउटर मोस्ट सेल से होता है। निकालना है तो भी आउटर मोस्ट सेल से निकाला जाएगा, और ऐड करना है तो भी आउटर मोस्ट सेल से निकला, ऐड करना है तो भी आउटर मोस्ट सेल में ही ऐड किया जाए। तो चाहे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो या इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, ये दोनों ही काम एटम के आउटर मोस्ट सेल से किया जाएगा। तो कैटायन कैसे बन रहा था? आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने पे, और एनायन किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से। जैसे ये सोडियम लिखा है, तो सोडियम 1123 लिखा है, मींस एटॉमिक नंबर सोडियम की क्या हुई? 11। और जब एटॉमिक नंबर 11 हुई तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 थी, मतलब सोडियम के एक एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकाला क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो क्या इलेक्ट्रॉन के निकालने से प्रोटॉन की संख्या भी बदलेगी? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाला है तो संख्या तो घटेगी इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन तो जैसा था वैसा ही रहेगा। और एटॉमिक नंबर को डिफाइन क्या किया था हमने? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसकी एटॉमिक नंबर तो अभी भी 11 ही रहेगी, और मास नंबर अभी भी 23 ही रहेगी, क्योंकि मास नंबर पी प्लस एन था और आपने इलेक्ट्रॉन निकाला है। तो इलेक्ट्रॉन के निकालने से ना तो एटॉमिक नंबर बदलेगा और ना ही मास नंबर बदलेगा। हाँ, बदलेगा क्या? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, पहले से 11 था, अब यहां 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये बन गया सोडियम कैटायन, प्लस वन चार्ज आया। क्यों प्लस वन चार्ज आया? एक तो इलेक्ट्रॉन निकाला तो हमने कह दिया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाले थे इसलिए एक प्लस वन दे दिए, बट और एक रीजन जिससे कि आप ज्यादा सिस्टमेटिकली समझ सकोगे उसको समझ लो, वो ज्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन हुआ कि जो सोडियम केटायन है, देखो इसमें इसकी एटॉमिक नंबर 11 है, मतलब न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है। एक बार में अच्छे से समझ लो, 11 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस में प्लस 11 चार्ज हुआ, और सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? 10। तो न्यूक्लियस में 11 पॉजिटिव चार्ज और सेल में 10 नेगेटिव चार्ज। तो 10 नेगेटिव 10 पॉजिटिव को कैंसिल कर दिया, बाकी कितना बच गया? प्लस वन। तो इसीलिए इस आयन पे जो चार्ज आया प्लस वन। तो इसीलिए हम कहेंगे, अब जनरली बोला करेंगे कि जितना इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकालोगे उसमें उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, उससे जो आयन बनेगा उस आयन पे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे कैल्सियम था तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 2 प्लस लिख दिया। हाँ, अब यहां कोई पूछता कि कैल्शियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहां इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 थी। अब यहां पे एटॉमिक नंबर मास नंबर तो वही रहा 20-40, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी। अब चूंकि 20 प्रोटॉन है और 18 इलेक्ट्रॉन है, 20 प्रोटॉन का 20 पॉजिटिव और 18 इलेक्ट्रॉन का 18 नेगेटिव, तो 18 पॉजिटिव 18 नेगेटिव कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 पॉजिटिव, यही 2 प्लस है, कैल्शियम 2 प्लस आयन। अब जैसे यहां क्लोरीन लिखा है, तो क्लोरीन 17 था, 35 था, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ये बन गया Cl-। Cl- बना। अब यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन की संख्या यहां 18 हो गई,
और एटॉमिक नंबर मास नंबर तो एज इट इज ही रह गया। अब चूंकि न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन मतलब 17 पॉजिटिव चार्ज, सेल में 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 नेगेटिव चार्ज, तो 17 प्लस और 18 माइनस, तो 17 प्लस 17 माइनस को कैंसिल किया, बाकी नेट चार्ज रह गया -1, तो क्लोराइड आयन बन गया। यही क्लोराइड आयन है बच्चों, Cl-1। ऑक्सीजन था 8-16, +2 इलेक्ट्रॉन किया, O-2 ऑक्साइड आयन बन गया। यहां इलेक्ट्रॉन हो गई 10 और बाकी तो 8-16 जो था सो तो है ही है। क्यों दो माइनस आया? अब हम बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन्स है जिसके वजह से 8 पॉजिटिव चार्ज, और 10 इलेक्ट्रॉन्स है जिसके वजह से 10 नेगेटिव चार्ज। तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव कैंसिल हो गया, बाकी बच गया 2 नेगेटिव। अब एक टर्म मैं लिखूंगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं लिख रहा हूं यहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स यहां लिख दिया, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ, हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स को डिफाइन किया, एक वर्ड आया आइसो। आइसो का मीनिंग ही होता है बच्चों सेम, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो ऐसे स्पेसिस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया Na+, हमने लिया Mg2+, हमने लिया Al3+, हमने लिया Cl-, हमने लिया S2-, P3-। अब इन सबों को देख रहे हैं, तो Na+ लिया, सॉरी यहां पे इसको मिटाएंगे, यहां लिखा हमने F-, यहां लिखा O2-, और यहां लिखा N3-, N3-। नाउ सी दिज ऑल, Na+ लिखा गया है, तो Na+ का मतलब हुआ सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया, सोडियम के एटॉमिक नंबर 11 थी, एक निकाला गया। तो अभी अभी तो यहां बतलाया भी है, एक निकालोगे तो यहां बच गया 10। अब मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर बच्चों क्या होती है? 12। दो पॉजिटिव चार्ज है मींस दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है। तो 12 था, दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 10। Al+3 है, तो यहां पे एटॉमिक नंबर अल्मुनियम की होती है 13। ये सब चीजें आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। तो 13 है, +3 दिया गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10। F- है, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 होती है, एक माइनस आया है मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो गई 10। ऑक्सीजन 2- है, ऑक्साइड आयन, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 थी, अभी अभी यहां लिखा भी हुआ है ऑक्सीजन 8, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ तब तो 2- आया है, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8+2, 10। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7 होती है, 3- दिया गया है -3, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स आर बिंग एडेड, 3 इलेक्ट्रॉन्स जोड़े गए हैं, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या हो गई 10। नाउ यू कैन सी ये सभी जो आयन्स हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 ही है, इसलिए इनको क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और पॉली एटॉमिक आयन लेते हैं, जैसा हमने लिया यहां पे सपोज NO3- एंड CO3-2-, NO3- एंड CO3-2-। NO3- को बच्चों पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रेट आयन, और तुम अपने स्कूल स्टडी को याद करोगे या याद होगा आपको तो तुम्हें शायद नाइट्रेट सिखाया गया होगा कि नाइट्रेट की सिंबल होती है NO3 और वैलेंसी होती है 1, निगेटिवली चार्ज आयन, उसको एसिड रेडिकल बोलते थे। कार्बोनेट आयन CO3 वैलेंसी पढ़ते थे 2,
तो CO3 पे माइनस टू है, NO3 पे माइनस वन। ये माइनस क्या बता रहा है बच्चों? माइनस चार्ज जब भी आया मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ है तभी तो माइनस आया है। तो एक माइनस का मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, दो माइनस का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अब लेट अस नाउ लर्न टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज आयंस, मल्टी एटॉमिक आयंस या मेनी एटॉमिक आयंस। तो देखो पॉली एटॉमिक आयंस ये हुए। तो पॉली एटॉमिक आयंस में पॉली मतलब मेनी होता, एक से ज्यादा। ऐसे आयंस जिनमें एक से ज्यादा एटम्स है तो उनको बोलोगे, सबसे करेक्ट टर्म हुआ पॉली एटॉमिक आयंस। तो अब यहां नाइट्रोजन आया, तो नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7 होती है, तो नाइट्रोजन के एक एटम में 7 इलेक्ट्रॉन्स। और ऑक्सीजन का कितना एटम है बच्चों? 3 एटम्स। और ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8 होती है, तो 8 × 3 = 24 हो गया, 8 × 3 = 24, तो 24 आया। 7 नाइट्रोजन के एक एटम में, तो 24 + 7 = 31 हो गया, और एक माइनस था मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो 31 में 1 जोड़ोगे तो यहां पे कितना चला आया? 32 इलेक्ट्रॉन। तो 32 हो गया नाइट्रेट आयन में। कार्बोनेट में आओ, एक एटम कार्बन का है, 3 एटम ऑक्सीजन का है। कार्बन के एक एटम में 6 इलेक्ट्रॉन, चूंकि कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, और ऑक्सीजन के एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स, चूंकि ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8, तो ऑक्सीजन का 3 था तो 8 × 3 = 24, कार्बन का 6 था, 24 और 6 = 30, और 2 माइनस आया है मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तो 30 और 2 = 32। तो इनको भी क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, चूंकि इन दोनों में भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम है तो इनको भी कहेंगे हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टुडे वी हैव सीन मेनी थिंग्स रिगार्डिंग क्लास 11, और होप कि आप सबों को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप कुछ नई इन्फॉर्मेशंस नई कॉन्सेप्ट्स भी सीखे होंगे, और अगले क्लास में इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हाँ, आप सबों को कहेंगे कि वीडियोज को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करते चलें, और अपने आस पड़ोस के दोस्तों को भी बताएं कि मार्गदर्शन में नीरज सर पढ़ा रहे हैं खुद हर साल की तरह, और 11th की भी सिलेबस उन्होंने शुरू की है। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, उन्हें भी वीडियोज देखने के लिए कहें और एडवांटेज लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।